गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कल की रॉ में हमें क्या कुछ देखने हो। मेरे घर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू की और साथ साथ कवर करेंगे आज दिन की 3 से 4 बड़ी खबरें। वीडियो की शुरुआत से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो गाइस लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, अभी के अभी जाइए, ज्वाइन कीजिए हमारे ग्रुप को और पाइए आपके सवालों के जवाब। कल होने वाली है दोस्तों 1 मार्च की रॉ, और बात की जाए इस बारी की रॉ की तो गाइस इस बारी की रॉ कोई दोस्तों आम रॉ नहीं रहने वाली। इसके अंदर आपको कई बड़े धमाके देखने को मिलने वाले हैं। तो शुरुआत की बात की जाए तो कल की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हम लोगों को देखने को मिलेगी ड्रू मैकइंटायर के रिटर्न के द्वारा। तो ड्रू मैकइंटायर 1 हफ्ते के छुट्टी के बाद दोस्तों रिटर्न करने जा रहे हैं। लास्ट वीक उनका यूज नहीं हुआ था, इस हफ्ते दोस्तों ड्रू मैकइंटायर आएंगे और हमें दोस्तों एक सॉलिड प्रोमो उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। वहां दोस्तों वो ये चीज कहेंगे कि उनका टाइटल रेन कैसा रहा और किन कारणों से वो टाइटल हारे हैं, आगे उनका क्या प्लान रहने वाला है। मेरे हिसाब से दोस्तों यहां वो बॉबी लैशली एंड द मिस को आड़े हाथों ले सकते हैं। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हो रहा है तो इसके बाद जो अगली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों शार्लेट फ्लेयर एंड आस्का की लड़ाई। तो लास्ट वीक दोस्तों एक बड़े मिस कम्युनिकेशन के चलते आस्का एंड शार्लेट फ्लेयर अपना मैच हार गई। ये मिस कम्युनिकेशन तब हुआ जब दोस्तों शार्लेट ने गलती से आस्का के लात जड़ दी चेहरे के ऊपर। आस्का दोस्तों बात का बतंगड़ यहां बनाते हुए आपको नजर आने वाली है क्योंकि जैसी अपडेट्स है दोस्तों बताया ये जा रहा है कि इनका मैच इन फ्यूचर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है वुमन चैंपियनशिप के लिए। तो ऐसे में दोस्तों आपको इन दोनों की टीम कल टूटते हुए नजर आने वाली है, दोनों दोस्तों एक दूसरे के साथ तू तू मैं करेगी। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलने वाली है प्रोबेबली वो रह सकती है दोस्तों रिया रिपली का ऑफिशियल डेब्यू। लास्ट वीक हमने टीजर देखा था रिया रिपली कमिंग सून, लेकिन दोस्तों अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि किस रॉ में वो आने वाली है। इस हफ्ते आ जाती है तो काफी बढ़िया शुरुआत होगी क्योंकि मंथ की शुरुआत हो रही है, ऐसे में दोस्तों रिया रिपली के लिए भी सही रहेगा। अब देखना होगा ये कि अगर रिया रिपली का डेब्यू होता है तो किसके खिलाफ वो अपना डेब्यू करती है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोग देखने को मिलने वाली है वो है दोस्तों अपने मैट रिडल की नई फ्यूड शुरू होते हुए अगेंस्ट अलायंस। तो गाइस मैट रिडल की बात करूं, मैट रिडल लास्ट वीक जॉन मॉरिसन को फेस किए, उन्हें गंदे तरीके से हराए हैं। इस हफ्ते दोस्तों मुझे क्या लगता है कि मैट रिडल एक नई फ्यूड में पड़ सकते हैं और खासकर दोस्तों अलायंस के साथ वो पड़ते हैं तो थिंग्स काफी मजेदार होगी क्योंकि दोस्तों अलायंस फनी है। और मैट रिडल की बात करूं, मैट रिडल दोस्तों काफी हरफन मौला है, तो यहां दोस्तों हमें मैट रिडल का नया ओपोनेंट पता लगते हुए नजर आने वाला। आप देखते हैं दोस्तों कौन मैट रिडल यानी कि अपने US चैंपियन का ओपोनेंट रहता है। हम चलते हैं इसे अगली थिंग के ऊपर। इसके बाद जो अगली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो आपको काफी डराने वाली है, वह दोस्तों रैंडी ऑर्टन के ऊपर फिर से जादू टोना। तो हमने देखा था कि रैंडी ऑर्टन के मुंह से दोस्तों लास्ट वीक काली सी झाग निकल गई, काला सा दोस्तों लिक्विड निकला, जिसके चलते दोस्तों वहां हमें ये चीज पता चलती है कि कोई ना कोई उनके ऊपर जादू टोना कर रहा है। ऑब्वियसली दोस्तों एलेक्सा ब्लिस ही है। इस हफ्ते दोस्तों ये चीज हो सकती है कि वहां रैंडी ऑर्टन के पेट में दर्द होने लग जाए, जहां हमें एंगल दिखाया जाए कि एलेक्सा ब्लिस किसी गुड़िया में दोस्तों एक तरीके की कील चुभ हो रही है क्योंकि यहां WWE यही टीज कर रही है कि फिंड का रिटर्न हो जा रहा है और फिंड दोस्तों अपने रिटर्न से पहले रैंडी ऑर्टन को वी एलेक्सा ब्लिस दुख देना चाहते हैं ना दोस्तों, रैंडी ऑर्टन पर फिर से जादू टोना हो सकता है। बात की जाए दोस्तों सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की तो गाइस वो रह सकता है प्रोबेबली नायोमी वर्सेस शेना बेसलर। तो लाना एंड नायोमी दोस्तों इस वक्त टाइटल पिक्चर में है, मुझे क्या लगता है यहाँ एक क्रॉस मैच रखा जा सकता है, या तो नायोमी शेना को फेस करे या फिर दोस्तों नायोमी फेस करे नाया को। यहाँ नायोमी वर्सेस शेना होता है और नायोमी जीतती है तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगी एज ए चैलेंजर। मेरे हिसाब से थिंक होनी ही चाहिए। बात कर लीजिए अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की तो गाइस वो 101% कन्फर्म है और ये होने जा रहा है द मिज वर्सेस बॉबी लैशली फॉर WWE चैंपियनशिप। तो गाइज एक मेजर मैच हमें मेन इवेंट में देखने को मिलने वाला है जहां लैशली दोस्तों नंबर 1 कंटेंडर बनकर द मिज की नाक में दम किए हुए हैं। द मिज को काफी बड़ा डर है टाइटल यहां लूज करने का, बट दोस्तों मुझे क्या लगता है कि ये होने वाला है डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म। इसके पीछे 3 बड़े रीजन है। पहला रीजन है
ब्रॉन, जो कि दोस्तों आप जानते हैं लैशली के साथ फ्यूड में थे। दूसरे हैं दोस्तों हमारे अपने जॉन मॉर्सन, जो कि द मिज की मदद करते हैं। और तीसरे हैं दोस्तों ड्रू मैकइंटायर। भला ड्रू मैकइंटायर द मिज एंड लैशली को कैसे भूल जाए। मुझे लगता है दोस्तों ये मैच किसी तरीके के गंद में खत्म होने वाला है, तो काफी ज्यादा मजा आएगा कल की रॉ के अंदर। इतने एक्साइटेड है, कमेंट करके मुझे जब देगा। हम चलते दोस्तों इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर, यानी कि आज की अपनी खबरों के ऊपर। भाई सबसे पहली खबर जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों शिंसुके नाकामुरा से। तो शिंसुके नाकामुरा दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक बताए जा रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी ज्यादा नाखुश है। तो हुआ क्या वो मैं आपको बता दूं। दरअसल शिंसुके ने दोस्तों अपने इंस्टा अकाउंट के ऊपर एक वीडियो डाली। इस वीडियो के अंदर दोस्तों उन्होंने प्रोमो काट अगेंस्ट अपोलो, ये चीज बोले कि अपोलो तू चेंज हो गया, चेंज तो मैं भी हुआ था लेकिन तेरे कर्म काफी घटिया है, तूने बिगी को मारा है ना, ऑल दैट थिंग। दोस्तों उन्होंने वहां डिस्कस किया अपोलो के बारे में कि तू चाहे जितना भी चेंज हो जा तो असलियत में अपोलो का अपोलो ही रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो प्रोमो था या फिर वीडियो थी ये उन्होंने इंस्टा पर डाली, जहां एक बंदे ने कमेंट किया कि शिंसुके आपके साथ काफी गलत हो रहा है, गंदी बुकिंग हो रही है, आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ देना चाहिए। दूसरे फैन ने ये चीज लिखी है कि क्यों छोड़ेगा भाई, वो तो हैप्पी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। शिंसुके नाकामुरा ने नीचे कमेंट किया कि अपने से कोई भी ओपिनियन मत बनाओ, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ हैप्पी नहीं हूं। किसने कहा भाई मैं हैप्पी हूं? यहां दोस्तों साफ पता चल रहा है कि शिंसुके नाकामुरा अपनी बुकिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और अगर ऐसा ही रहता है तो आगे जाकर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी छोड़ सकते हैं। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की बारी जुड़ी है वो जुड़ी 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना एंड उनकी एक कहानी से, जो कि बिगी से जुड़ी है। तो हाल में दोस्तों बिगी की एक क्लिप डली है यूट्यूब के ऊपर, जहां बिगी ने बताया किस तरीके से जॉन सीना ने उनके साथ एक वादा किया था। ये वीडियो दोस्तों आज से कई साल पहले की है, जब दोस्तों जो बिगी थे एक जॉबर थे। उस वक्त दोस्तों जो बिगी एंड रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार थे, जो कि FCW में फाइट दे रहे थे, वो सीना के जिम में जिम मारते थे। और वहां दोस्तों सीना ने शर्त लगाई थी बिगी के साथ कि वो 575 पाउंड की बेंच प्रेस मारे, और वो काफी ज्यादा वेट रहता है। लेकिन दोस्तों जो वादा था वो ये था सीना का कि अगर तू मार देता है तो मैं तुझे अपनी डॉक्यूमेंट्री में लूंगा, जो कि अगेंस्ट रॉक है। ये डॉक्यूमेंट्री दोस्तों उन दोनों पर ही आधारित होनी थी, लेकिन बिगी ने दोस्तों बेंच प्रेस मार दी, जिसके तहत सीना को उन्हें अपनी डॉक्यूमेंट्री में लेना पड़ गया। तो काफी बढ़िया कहानी यहाँ शेयर की है बिगी ने, और आपको बताना चाहूंगा बिगी एंड जॉन सीना काफी बढ़िया फ्रेंड है। होप करते हैं इन फ्यूचर इसी साल हमें सीना फिर से दिखाई दे रेसलमेनिया सीजन में। हम चलते हैं अपनी आज की अपनी सेगिलास न्यूज के ऊपर। तो गाइस सेगिलास न्यूज जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों बिग कैश से। तो गाइस काफी बड़ी खुशखबरी है, बिग कैश का हो चुका है रिटर्न। काफी समय से दोस्तों बिग कैश हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, लेकिन दोस्तों हाल ही में उन्होंने अपना रिटर्न कर दिया है। ये उन्होंने एक छोटे से शो में किया है, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीर में कितनी बढ़िया शेप में वो नजर आए हैं। बिग कैश ने ये चीज कही है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन की जो उनकी जर्नी थी वो खत्म हो चुकी है, और रिडेम्पशन की जर्नी उनकी बिगिन हो चुकी है। जिन जिन लोगों ने उनमें विश्वास किया उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। आपको बता दूं इस इंडी सर्किट के जो मैच थे इसमें दोस्तों उन्होंने एंजो को आकर बचाया है, यानी कि दोस्तों एंजो अमोरा एंड बिग कैश डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर फिर से एक हो चुके हैं। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो इस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों रोमन रेंस के रिएक्शन से। तो आज से ठीक हफ्ते पहले दोस्तों सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को ये चीज कही थी कि रोमन एज ए ट्राइबल चीफ काफी बढ़िया कर रहा है, उसका कैरेक्टर काफी ऑसम है। और इस पर दोस्तों हमारे रोमन रेंस का रिएक्शन आया है। पॉल हेमन ने दोस्तों बताया हाल ही में कि रोमन रेंस तुम्हारी तारीफ से काफी ज्यादा खुश है सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस फ्लैटर्ड हो चुके हैं जो कुछ तुमने उनके बारे में कहा है। ट्राइबल चीफ का कहना यह है कि वो उनकी इस थिंग पर काफी ज्यादा नाज करते हैं कि सेथ ने तारीफ की है रोमन की, साथ ही साथ वो इसके लिए उन्हें बधाई भी देंगे। आगे दोस्तों पॉल हेमन ने सेथ के ओपोनेंट यानी कि सिजारो को शाउट आउट दिया है, ये चीज बताई है कि काफी ज्यादा पावरफुल सुपरस्टार है। कुल मिलाकर दोस्तों यहां जो हमारे पॉल हेमन है उन्होंने सेथ रॉलिंस को मैसेज भेज दिया कि रोमन आपसे ज्यादा खुश है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इस बार की टॉकिंग स्मैक में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वेल उसके अंदर बाद में दोस्तों जो बातचीत लगी थी, सेथ ने हाथ मिलाया था पॉल हेमन से, और पॉल हेमन ने क्या कहा था, पॉल हेमन ने ये चीज कही थी कि सेथ रॉलिंस के बारे में कुछ ना कुछ स्पेशल है। इससे पहले उनके लोअर बैक में पेन हो रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सेथ से हाथ मिलाया उनका सारा पेन चला गया। यहां दोस्तों जैसी थिंग्स जारी एक दूसरे की, जैसी ये तारीफ कर रहे हैं, फिर पॉल हेमन दोस्तों जैसी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो रहे हैं,
लगता है कि आगे जाकर हमें इन दोनों का रियूनियन जरूर देखने को मिलेगा। कल वाली वीडियो में भी हम यही चीज डिस्कस किए थे। पर होप करते हैं दोस्तों कि शील्ड ना सही, छोटी शील्ड तो फिर से विनिर्मित हो। आज की ये वीडियो इतनी सी, तो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत से पहले थैंक्स टू आवर मेंबर्स, वेल आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।